गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं DBTT के सेमिस्टर 4 के छात्रों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन जो आपका पेपर 12 है उसका यूनिट 4 का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, टॉपिक है, उसको आज हम डिस्कस करें। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि समावेशी शिक्षा में जो फैसिलिटेटर्स है यानी जो सुविधा करता है उनकी क्या भूमिका होती है, इसमें सबसे पहले टीचर्स, फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, इन सबकी भूमिका को इस यूनिट में देखना है। तो आज हम उसी में टीचर्स की भूमिका के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में दोनों तरह के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, और दोनों तरह के बच्चा को शिक्षा देने के लिए एक साथ, तो ये शिक्षकों के लिए ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों की जो भूमिका होती है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सामान्य कक्षा कक्ष का आयोजन करना और उसमें सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बालकों को शामिल करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होती है। तो इसलिए शिक्षकों की भूमिका कई आयामों में महत्वपूर्ण हो जाती है, और समावेशी शिक्षा में जो शिक्षक भी होते हैं उनके भी कई तरह के प्रकार देखने को मिलती है। सबसे पहले जनरल टीचर, सामान्य शिक्षक जो सामान्य कक्षा कक्ष का आयोजन करते हैं, सामान्य तरीके से जैसे कक्षाएं संचालित होती है उस तरह की कक्षा वे कक्षा कक्ष में संचालित करते हैं, संपन्न करते हैं। इसके अलावे विशिष्ट टीचर होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि विशिष्ट बालक होते हैं जिनको कई तरह की आवश्यकताएं होती है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जो पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए जो टीचर होते हैं उनको स्पेशल टीचर कहते हैं, विशिष्ट शिक्षक कहते हैं। और समावेशी शिक्षा में एक तीसरे प्रकार की शिक्षक का भी जिक्र किया जाता है जिसको कहते हैं संबल शिक्षक या रिसोर्स टीचर। रिसोर्स टीचर, जैसा कि रिसोर्स सबसे ही समझ में आ रहा है कि वैसे शिक्षक जो बच्चों के जो आवश्यकताएं हो, जिस प्रकार की रिसोर्स जिससे उनकी शिक्षा प्रक्रिया क्या हो सरल हो सके, तो उन सब चीजों को मुहैया कराना ही रिसोर्स टीचर का कार्य है। क्योंकि समावेशी शिक्षा में जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके लिए कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं, इक्विपमेंट, सहायक वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिनकी मदद से वो शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। जैसे अंधे बालकों के लिए ब्रेल लिपि चाहिए, जो जिनको सुनने में असुविधा हो वैसे बच्चों के लिए ईयरफोन से या जो भी उस तरह का मशीन होता है वो देना पड़ता है। कुछ बच्चे को चलने फिरने में असुविधा होती है तो उनके लिए बैसाखी, ये कई तरह के जो फिजिकल इक्विपमेंट है, जो जरूरतें हैं उसकी व्यवस्था करना और उसके अनुसार उनकी कमियों को दूर करते हुए शिक्षित करना, इसके लिए रिसोर्स टीचर की भी उतनी ही आवश्यकता है। तो समावेशी शिक्षा में जो कि सामान्य स्टूडेंट और विशिष्ट स्टूडेंट को एक साथ शिक्षित करना है, तो शिक्षकों की भूमिका विभिन्न आयामों से महत्वपूर्ण हो जाती है, और बिना इन सबके आपस में कोऑर्डिनेशन, सहयोग, सपोर्ट के बिना समावेशी शिक्षा का जो लक्ष्य है, समावेशी शिक्षा का जो मूल मंत्र है वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो लिखा हुआ है टीचर्स रोल, शिक्षकों की भूमिका इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की क्या क्या भूमिका हो सकती है। इसे हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे, ये एक तरह का मॉडल हुआ। इसमें शिक्षकों की भूमिका को हम मुख्य 6 हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहले फैसिलिटेटर्स, टीचर एज ए फैसिलिटेटर्स शिक्षकों को सुविधाकर्ता के रूप में
क्या भूमिका होती है, दूसरा है रोल मॉडल। रोल मॉडल मतलब जो हमारे लिए क्या होता है, प्रेरणा स्रोत, उसके रूप में शिक्षकों की क्या भूमिका है, टीचर्स रोल एज ए रोल मॉडल। तीसरा है टीचर्स रोल एज ए इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, सूचना दाता के रूप में या सूचना प्रदाता के रूप में शिक्षकों की क्या भूमिका है। चौथा है रिसोर्स डेवलपर, शिक्षक रिसोर्स यानी संसाधन डेवलपर के रूप में उसकी क्या भूमिका होती है। नेक्स्ट है प्लानर, योजनाकर्ता, शिक्षक को समावेशी शिक्षा में विभिन्न तरह की योजनाएं भी करनी पड़ती है। योजनाकर्ता के रूप में एसेसर, मूल्यांकनकर्ता या आकलनकर्ता के रूप में शिक्षकों की भूमिका। तो इन छह एस्पेक्ट के रूप में हम टीचर्स के रोल को आज डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है फैसिलिटेटर, सुविधाकर्ता। फैसिलिटेटर उसको कहते हैं जो हमें, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो चीजें को संचालित कर रहे हैं उसको सुविधाजनक बनाने के लिए वो किस तरह हमारी मदद करता है। तो फैसिलिटेटर के रूप में टीचर्स का रोल दो रूपों में महत्वपूर्ण होता है, एज ए मेंटर, गुरु के रूप में, और दूसरा है लर्निंग फैसिलिटेटर, अधिगमकर्ता के रूप में। क्योंकि टीचर्स गुरु होते हैं जो बच्चों को सही डायरेक्शन दिखाते हैं, उनकी जो कमियां हैं उसको दूर करके उसके लिए जो सरल, सुगम और आसान जो मार्ग होता है जिस पे चल के वे सफल हो सकते हैं, उसके रूप में टीचर मेंटर के रूप में काम करता है, गुरु के रूप में काम करता है। दूसरा है लर्निंग फैसिलिटेटर, सीखने में सुविधा पहुंचाने के लिए जो जो तत्वों की जरूरत है, जिन जिन आवश्यकताओं की जरूरत है उसको भी पूरा करने में शिक्षक हमारी भूमिका करते हैं, चाहे वो जनरल टीचर हो, क्लास टीचर हो, स्पेशल टीचर हो, रिसोर्स टीचर हो, एक्सपर्ट हो, जितने भी तरह के टीचर्स के टाइप्स है उन सबका काम है एज ए मेंटर, एज ए लर्नर फैसिलिटेटर, वो हमारी क्या करे, मदद करे। दूसरा है रोल मॉडल, टीचर प्रेरणा स्रोत होता है। टीचर के कार्यों को हम क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। शिक्षक का दायित्व ऐसे अर्थ में काफी बढ़ जाता है क्योंकि उसका कार्य क्या है, बच्चों के लिए बेहतर एग्जाम्पल सेट करना, बच्चों के लिए बेहतर नियम बनाना, उनके लिए बेहतर व्यवस्था करना, उनके लिए बेहतर मॉडल के रूप में खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में प्रस्तुत करना। क्योंकि बच्चे हमसे सीखते हैं, हमारा अनुसरण करते हैं, हमारा अनुकरण करते हैं, तो इसके लिए टीचर्स की भूमिका क्या होती है, उसका अपना चरित्र, उसका अपना व्यवहार, उसकी पर्सनैलिटी, उसका थिंकिंग, उसका व्यवहार बच्चों के प्रति, उसका दायित्व कर्तव्य, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो ऑन द जॉब रोल मॉडल, जब कार्य करते हैं, शिक्षक का कार्य क्या है, शिक्षा देना, तो शिक्षा देने के दौरान वो अपने जॉब के प्रति कितने ईमानदारी से हैं, किस तरह वो बच्चों को कक्षा कक्ष में बेहतरीन ढंग से शिक्षित करते हैं, उनकी कमियां को देखते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनको बेहतर से बेहतर, बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से बेहतर बनाने में कैसे वो अपनी भूमिका निभाते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षक चाहे तो वो कमजोर से कमजोर छात्र को भी मोटिवेट करके, इंस्पिरेशन के द्वारा, उनको हेल्प के द्वारा, उनको हर तरह के सपोर्ट के द्वारा उसे भी बेहतर बना सकते हैं। शिक्षक तो वो जोहरी होता है जो पत्थर को भी तराश कर हीरा बना ले। तो ऑन द जॉब रोल मॉडल, दूसरा उसमें है टीचिंग रोल मॉडल। टीचर का टीचिंग जो होता है वो एज ए टीचर वो बेहतर होना चाहिए, सफल होना चाहिए,
और सबसे ज़्यादा है प्रभावशाली पूर्ण होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। टीचर जितना इफेक्टिव टीचिंग करेगा उसके बच्चों के हर तरह के मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर तरह के डेवलपमेंट पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो टीचिंग रोल मॉडल के रूप में टीचर होता है, और वो जितना बेहतर होगा, जितने बेहतर ढंग से टीचिंग करेगा, उसका सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। सामान्य बच्चे के साथ साथ जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनकी जो कमियां होती है, उनके अंदर कुंठा, हीन भावना, जो कमी है, अपने आप को मुख्य धारा से जो काट देते हैं, इन सारी समस्याओं को उसे क्या करना होगा, उसे दूर करना होगा, उसे विश्वास दिलाना होगा कि ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। उसे क्लास के जो अन्य बच्चे हैं उसके साथ जोड़ना होगा, क्लास के अन्य बच्चों को समझाना होगा कि ये बच्चा आपसे भिन्न नहीं है, और इतना क्लास के माहौल को इतना पॉजिटिव बनाना होगा कि सामान्य बच्चे भी विशिष्ट बच्चों के साथ आसानी से घुल मिल सके, और विशिष्ट बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ सामान्य तरीका से रह सके, जीवन यापन कर सके। तभी जाकर समावेशन की जो भावना होती है, समावेशन की जो फीलिंग होती है, वो डेवलप होगी विशिष्ट बालकों में। तो रोल मॉडल के रूप में टीचर की भूमिका। तीसरा है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, सूचना दाता। टीचर का काम क्या है? सूचना देना। कैसी सूचना है देना? टॉपिक से संबंधित, विषय से संबंधित, वो जो इस टॉपिक को पढ़ा रहा है, जिस विषय को पढ़ा रहा है उस पर उसका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, उस पर पूरा कमांड होना चाहिए, क्योंकि वो जो पढ़ाएगा वही बच्चे सीखेंगे। इसलिए टीचर को जरूरत है कि वो जो लेक्चर देता है क्लास में, जो स्पीच डिलीवर करता है, वो क्या हो, सटीक हो, क्योंकि उसी को रिकॉग्नाइज करके बच्चों के अंदर रिकॉग्निशन डेवलप होता है, थिंकिंग डेवलप होती है। तो टीचर की भूमिका क्या होती है? वो जो बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे, ज्ञान दे, नॉलेज दे, वो कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, जिससे बालक क्या करे, सही और गलत में भेद कर सके, वो बेहतर इंसान बन सके। उसके बाद उसी में क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल टीचर। टीचर वैसा हो जो क्लिनिकल हो, क्लिनिकल और प्रैक्टिकल टीचर हो। क्लिनिकल मतलब जो क्लीन करे, साफ करे, जो कमियां हैं, जो गलत चीजें हैं उसको दूर करे, और जो सही चीज है उसको हर तरह के सटीक इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करे, बच्चों में क्या हेल्दी कंपटीशन का माहौल बना सके, उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार कर सके, बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो सके, भविष्य में वो एक बेहतर इंसान बन सके। इसके लिए क्या होगा, टीचर को बेहतर इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ इन्फॉर्मेशन का अर्थ हुआ नॉलेज, वो बच्चों के अंदर क्या करना चाहिए, देने की कोशिश करनी चाहिए। ये टीचर की भूमिका हुई। नेक्स्ट है रिसोर्स डेवलपर। टीचर एक रिसोर्स डेवलपर की तरह होता है। उसका कार्य है संसाधन डेवलप करना, जिससे क्लास के सभी बच्चे सामान्य रूप से लाभान्वित हो सके, विशेषकर विशिष्ट बालक जिनमें कई तरह की कमियां हो सकती है, तो वैसे बच्चों के लिए हर तरह के रिसोर्स डेवलप करना, उनकी कमियों को दूर करना, ये भी टीचर की प्रमुख भूमिका होती है। और समावेशी शिक्षा में इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मान ले बच्चे क्लास में जो सामान्य बच्चे हैं वो तो चीजों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन विशिष्ट बालकों में कई तरह की कमियां होती है, कई तरह की कठिनाइयां होती है, जिससे उनके अंदर हीनता की भावना होती है, क्षमता की जो भावना होती है, तो उसको दूर करने के लिए टीचर रिसोर्स डेवलपर के रूप में कार्य कर सकता है, और बच्चों को क्या कर सकता है, स्टडी गाइड प्रोवाइडर, जो उसके स्टडी को गाइड कर सके, उसको सही दिशा निर्देश कर सके, रिसोर्स मटेरियल क्रिएटर, उसके लिए क्या करे, बेहतर संसाधन का क्या कर सके, रचना कर सके, निर्माण कर सके, ये भी कार्य शिक्षक का ही होती है। इसलिए शिक्षक की भूमिका रिसर्च डेवलपर के रूप में भी काफी महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद नेक्स्ट है प्लानर, एज ए प्लान, टीचर एज ए प्लानर, टीचर्स रोल एज ए प्लानर।
योजनाकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका। हम बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा अपने आप में सबसे उत्कृष्ट शिक्षा है, क्योंकि इसमें सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर स्कूल में जितने भी तरह की एक्टिविटी है उसको विदाउट प्लानिंग इम्प्लीमेंट कर पाना सही ढंग से और सक्सेस हासिल करना ये आसान बात नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में प्लानिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्लानिंग किस चीज का होना चाहिए? सबसे पहले करिकुलम प्लानर, पाठ्यक्रम योजना निर्माण, दूसरा है कोर्स ऑर्गेनाइजर, किस तरह सभी कोर्स को ऑर्गेनाइज किया जा सके, क्योंकि हर बालक के अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के इंटरेस्ट होते हैं, तो उनके लिए कोर्स को ऑर्गेनाइज करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती होता है, क्योंकि क्लास में हर तरह के बच्चे के वेरिएशंस हर टाइप के होते हैं, सबकी अलग अलग थिंकिंग, व्यवहार, बोली, विचार, भावना, इमोशन हर विभिन्न तरह के होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन सबके लिए समान रूप से किसी भी कोर्स को ऑर्गेनाइज करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो शिक्षक की भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और करिकुलम प्लानर के मतलब हुआ कि किस तरह वो पाठ्यक्रम को प्लान करे और किस तरह कक्षा में उसे संचालित करे, क्योंकि समावेशी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है वो सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से भिन्न होता है, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें पाठ्यक्रम ऐसा हो जो सब बहुत आसानी से ग्रहण कर सके, ग्रहणीय हो, जिसको आसानी से ग्रहण किया जा सके। तो बिना प्लानिंग का ये संभव नहीं है। तो टीचर्स को प्लानर की तरह करिकुलम को डेवलप करना चाहिए, कोर्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिसे समावेशी कक्षा का संचालन हो सके, सामान्य और विशिष्ट बालक का सामान्य रूप से स्वस्थपूर्ण विकास हो सके। नेक्स्ट है एज ए एसोसिएशन। कहने का अर्थ है कि आकलनकर्ता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है। आकलन करना मतलब मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना, क्योंकि कक्षा में विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं, कुछ सामान्य कुछ विशिष्ट, तो उनका आकलन करना भी उतना ही, क्योंकि जब तक हम आकलन नहीं करेंगे तो उसकी खूबियों और कमियों से हम परिचित भी नहीं हो पाएंगे, और जब तक ये चीज जानेंगे नहीं तो किस तरह हम उनको प्लान कर सकेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आकलन के द्वारा हम क्या करेंगे, टीचर्स के लिए स्टूडेंट का आकलनकर्ता के रूप में टीचर्स को क्या करना होगा, सबसे पहले स्टूडेंट एसेसर्स के रूप में छात्रों का आकलन करना, दूसरा है करिकुलम इवेल्युएटर के रूप में। स्टूडेंट एसेसर मतलब छात्रों का आकलन, और करिकुलम इवेल्युएटर का अर्थ हुआ कि करिकुलम को इवेल्युएट करना, यानी पाठ्यक्रम का मूल्यांकनकर्ता के रूप में, क्योंकि टीचर का काम है कि स्टूडेंट को वो किस तरह आकलन करे, सामान्य और विशिष्ट बालकों को छाटे, उनकी कमियां को समझे, आवश्यकता अनुसार उनको ट्रीटमेंट दे, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, हर तरह का जो ट्रीटमेंट चाहिए बच्चों को दिया जाए, उनके लिए विभिन्न तरह का प्रोग्राम, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, और भी कई तरह के इंडिविजुअलाइज्ड असिस्टेंट प्रोग्राम, और भी कई तरह की जो जरूरतें होती है उनका आकलन करना जब तक नहीं किया जाएगा सही ढंग से, तब तक हम कैसे उसका मूल्यांकन करेंगे। तो स्टूडेंट का मूल्यांकन करना भी टीचर का काम है, उनकी कमियों खूबियों को छांटना, बांटना, सजाना, और उसको बेहतर ढंग से संचालित करना, उसको पारंगत बनाना, योग्य बनाना, और साथ ही साथ समय समय पर पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना करिकुलम इवेल्युएटर के रूप में, क्योंकि करिकुलम का मूल्यांकन करना, आवश्यकता अनुसार उसमें फेरबदल करना जिससे वो आसानी से ग्रहणीय हो, क्योंकि शिक्षा तो हमें बच्चों को देनी होती है, और जब तक वो शिक्षा रुचिपूर्ण ना हो, व्यवहारपूर्ण ना हो, तो उससे बच्चों का कैसे विकास होगा।
तो इसके लिए भी जरूरी है कि शिक्षकों को समय समय पर पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना चाहिए, आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश देना चाहिए, बच्चों में समानता एक रूपता पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, आवश्यकतानुसार बच्चे को सही दिशा निर्देश समय समय पर काउंसलिंग भी करना चाहिए, क्लासरूम का एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें सामान्य बालक के साथ विशिष्ट बालक आसानी से घुल मिल जाए, वो भी अपने आप को सामान्य बालक की तरह ही समझे और विशिष्ट बालक भी उससे कटे ना छटे ना, इस तरह कक्षा का माहौल विद्यालय का माहौल बनाना, क्योंकि तभी जाकर विशिष्ट बालक के अंदर की जो हीनता है, जो कमियां है, जो अभाव है, उससे वो बाहर निकल पाएंगे और सामाजिक उनका भी समाजीकरण हो पाएगा, सामाजिक परिवेश में उनमें भी समरसता आ पाएगी, वो भी अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे और क्या कहते हैं, वो भी एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। तो इस तरह शिक्षक की भूमिका क्या होती है, सेंटर पॉइंट पर होती है। वो आज भी विद्यालय शिक्षा पद्धति का केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि शिक्षक यदि ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाएंगे तो वो बालक के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, उनका समाजीकरण कर सकते हैं, उन्हें योग्य इंसान बना सकते हैं। इसलिए शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, सब कोई देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।